शेफाली, पुष्पा और अनुराधा तीनों सहेलियां रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर बातें कर रही हैं। तीनों की आंखों में आंसू हैं क्योंकि अनुराधा आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही है। अनुराधा, तू अभी छोड़कर जा रही है, तू शहर में अकेली रह पाएगी ना? तुम दोनों के बिना दुख तो होगा लेकिन रहना पड़ेगा। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा ना? लेकिन ये तो हम तीनों का सपना था, अब हम तीनों ये काम एक साथ कभी नहीं कर पाएंगे। एक साथ ही करेंगे पगली, मैं अच्छे से पढ़कर वापस आ जाऊंगी ना। अनुराधा ने दोनों को तसल्ली दी और फिर ट्रेन पर चढ़ गई। शेफाली और पुष्पा भी जानती थी कि अनुराधा अब कभी गांव वापस नहीं आने वाली है। शहर का चस्का जिसे एक बार लग जाता है वो शहर छोड़कर कभी गांव नहीं लौटता। तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। शेफाली बचपन से कपड़ों में अच्छे डिजाइन बनाती है, पुष्पा अच्छी मेहंदी करती है और दोनों को देखकर अनुराधा के सर पर भी फैशन डिजाइनिंग का भूत चढ़ गया। मैं बनूंगी असली फैशन डिजाइनर, ये दोनों तो गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अनुराधा के पिता अमीर थे इसीलिए अनुराधा बचपन से ही घमंडी थी। शेफाली और पुष्पा गरीब थी। आज अनुराधा दोनों को छोड़कर चली गई और शहर जाकर वो एक महंगे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में भर्ती हो गई। यहाँ गांव में शेफाली के पिता हरिहर ने उससे कहा, बेटी शेफाली, तू 18 साल की हो गई है, अब तेरी शादी करवानी होगी। नहीं पिताजी, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे नए नए डिजाइन के ड्रेस बनानी है, उन्हें बेचना है और अमीर होना है। अरे बेटी, ये सब अमीरों के सपने हैं, तेरी सहेली अनुराधा अमीर है इसलिए ये सब लेकर पढ़ाई करने के लिए शहर गई है। तो क्या हुआ, टैलेंट हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। उधर पुष्पा एक शादी में गांव की औरतों के हाथों पर मेहंदी कर रही थी, तभी एक औरत ने कहा, अरे वाह पुष्पा, तू तो बहुत अच्छी मेहंदी करती है। थैंक यू चाची, मुझे डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगी, मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे। उसके लिए पहले पैसा चाहिए होता है पगली, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, शादी में 2 पैसों के लिए मेहंदी करती फिरती है। हाँ सही बात है, मेरी मान तू भी शादी कर ले, कब तक दूसरों की शादियों में मेहंदी करती फिरेगी। ये सब सुनकर पुष्पा का दिल बैठ गया। शाम को पुष्पा शेफाली एक जगह पर मिले। हम जैसे गरीबों के लिए डिजाइनर बनने का सपना देखना पाप है शेफाली, ये सब अनुराधा के लिए ठीक है। हिम्मत मत हार पुष्पा, हम भी आसमान छू सकते हैं, बस हिम्मत रख। दोनों काम करते रहे। शेफाली घर के कपड़े काट काट कर नया डिजाइन बनाने लगी और पुष्पा मेहंदी डिजाइन करती रही। उधर अनुराधा शहर के कॉलेज में पढ़ती रही। उसके नए अमीर दोस्त बन गए, वो शेफाली और पुष्पा के बारे में तो भूल ही गई। 3 साल बीत गए, अनुराधा का कॉलेज खत्म हो गया, वो फैशन डिजाइनर बन गई। उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उधर गांव में शेफाली के पिता हरिहर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए इनके इलाज के लिए करीब 5 लाख रुपए की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। 5 लाख रुपए? हम गरीब हैं डॉक्टर साहब, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। शेफाली मुश्किल में पड़ गई। उधर अनुराधा एक कपड़े के ब्रांड के लिए डिजाइन करने लगी, लेकिन उसमें टैलेंट कम और घमंड ज्यादा था। उसके डिजाइन देखकर उसके बॉस आदर्श ने कहा, ये क्या डिजाइन बनाया है तुमने अनुराधा, ये सब तो 50 साल पहले चलता था, कुछ नया बनाओ। अनुराधा मुश्किल में पड़ गई। अरे मुझे नए डिजाइन का आइडिया ही तो नहीं आ रहा है, क्या करूं, दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा, मैं गांव से घूम आती हूँ एक बार। अनुराधा बहुत मॉडर्न हो गई थी, उसने अपने शरीर पर जगह जगह टैटू करवा लिए थे। वो गांव चली गई और छोटे कपड़े पहनकर घूमने लगी। सभी उसकी ओर देखने लगे कि गांव के लोग भी ना ऐसे देखते हैं जैसे कभी किसी लड़की को नहीं देखा, घिन आती है मुझे इन लोगों से। अनुराधा गांव लौटी है ये सुनकर पुष्पा और शेफाली उससे मिलने चली गई। अरे अनु, तूने बताया ही नहीं कि तू आ रही है, हम तुझे स्टेशन लेने आ जाते ना। स्टेशन से तो मैं गाड़ी में आई हूँ, तुम लोग तो मुझे रिक्शे से लेने जाते। अच्छा छोड़िए सब बातें, काम कैसा चल रहा है तेरा? बहुत अच्छा, 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। अरे वाह, तूने तो लाइफ सेट कर ली। मैंने एक डिजाइन बनाया लहंगे का, लेकिन मॉडर्न स्टाइल है। तुम लोग और मॉडर्न पता भी है मॉडर्न क्या होता है? और पुष्पा तू अभी भी मेहंदी करती है क्या? हाँ ये सब मेहंदी बहुत पुरानी चीज है, नई चीज है टैटू, ये देख अनुराधा दोनों का मजाक उड़ाने लगी। दोनों को बहुत बुरा लगा, बचपन की सहेली ऐसे मजाक उड़ाए तो बहुत बुरा लगता है। फिर भी शेफाली ने वो लहंगा अनुराधा को दिखाया और कहा, जरा देख तो कैसा है, तू इसे लेकर शहर जाएगी क्या, अपने बॉस को दिखाएगी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है।
लहंगे की डिजाइन देखकर अनुराधा हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये शेफाली इतनी सुंदर डिजाइन कैसे बना सकती है, ये तो सच में बहुत मॉडर्न है। शेफाली ने कहा, पसंद आया? कपड़े की कटिंग मैंने की है और ऊपर का डिजाइन पुष्पा ने। कुछ खास तो नहीं है, ठीक है फिर भी मैं ले जाऊंगी। शेफाली और पुष्पा दोनों खुश हो गए। शेफाली को लगा ये लहंगा देखकर उसे और पुष्पा को नौकरी मिलने वाली है, लेकिन अनुराधा के मन में तो कुछ और ही था। अनुराधा लहंगा लेकर अपने बॉस के पास गई और कहा, सर ये लहंगा मैंने बनाया है। लहंगा देखकर उसके बॉस आदर्श के होश उड़ गए। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा अनुराधा, अगले फैशन शो में यही होगा मेरा सबसे सुंदर लहंगा। अनुराधा जो चाहती थी उसे वो मिल गया, लेकिन गांव में शेफाली और पुष्पा अनुराधा के फोन की अपेक्षा करने लगी। अनु ने कॉल ही नहीं किया, मैं करके देखती हूँ। शेफाली ने अनुराधा को कॉल किया लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। पुष्पा ने कहा, शेफाली अनुराधा हमें भूल चुकी है। ऐसे कैसे, मेरा लहंगा लेकर गई है वो, चल पुष्पा हम शहर चलते हैं। शेफाली और पुष्पा के पास कुछ ही पैसे थे। जाने से पहले शेफाली ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बस चिंता मत कीजिएगा, मैं पैसे लेकर लौटूंगी। शहर पहुंचने के बाद वो दोनों कंपनी ढूंढने लगे। अनुराधा ने दोनों को कंपनी का नाम बताया था। बहुत ढूंढने के बाद दोनों एक बिल्डिंग के सामने आए। हाँ यही बिल्डिंग है, चल अंदर चलते हैं। दोनों अंदर घुस गए और देखा अनुराधा अपने बॉस के साथ बैठकर लहंगा बना रही है, वही डिजाइन का लहंगा जो शेफाली और पुष्पा ने बनाया था। वो दोनों तुरंत उसके सामने चली गई और कहा, अरे ये तो मेरा लहंगा है, अनु तूने मुझे धोखा दिया है, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है और यहाँ बैठकर मेरे लहंगे की कॉपी बना रही है। अरे गांव की गवार, ये डिजाइन बनाने की तेरी औकात है कि मैंने बनाया है? तीनों झगड़ने लगे। अनुराधा ने दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। शेफाली ने आदर्श से कहा, सर ये मेरा लहंगा है, मेरा और पुष्पा का डिजाइन है, अनुराधा ने इसे चुराया है। देखो अनुराधा मेरे लिए काम करती है, मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता हूँ इसलिए मैं अनुराधा की बातों पर ही विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ साबित करना चाहते हो तो कल नया ड्रेस बनाकर मॉडल के साथ आओ यहाँ, मेरा कल फैशन शो है, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को ऑफिस से निकाल दिया गया। कल के अंदर नया ड्रेस कैसे होगा शेफाली? करना पड़ेगा, नहीं तो वो अनुराधा जीत जाएगी। शेफाली और पुष्पा रात भर ड्रेस बनाने लगी। सुबह जाकर ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो गई, लेकिन अब मॉडल कहाँ से लाएं? मैं मॉडल बनूंगी, मैं इसे पहनकर फैशन शो में चलूंगी। शेफाली उस ड्रेस को पहनकर चलने लगी, पुष्पा साथ चलने लगी, लेकिन उनके पास बस में जाने के भी पैसे नहीं थे। वो दोनों पैदल चलने लगे। समय करीब आ रहा था इसलिए दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए दोनों ऑफिस के बाहर आ गए और वहीं पर एक आदमी के साथ शेफाली की टक्कर हो गई। उस आदमी के हाथ में कुछ तो था जिससे लगकर शेफाली का ड्रेस पूरी तरह से फट गया। उस ड्रेस का बस कुछ ही हिस्सा बचा शेफाली के शरीर पर। अब जाओ फैशन शो में। ये अनुराधा का आदमी था। अनुराधा दूर से ये सब देखकर हंसने लगी। चली थी मुझसे पंगा लेने, अब फैशन शो में आकर दिखा। हम हार गए पुष्पा, हम हार गए, तू सही कहती थी गरीबों के लिए ये सब नहीं है। लेकिन तभी पुष्पा को एक आइडिया आया। शेफाली मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं तेरे शरीर पर मेहंदी कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। पुष्पा ने शेफाली के हाथ पैर और बाकी जगहों पर मेहंदी कर दी और शेफाली फैशन शो में चली गई। उसे देखकर अनुराधा चौंक गई। मेहंदी वाला लहंगा पहनकर पुष्पा ने फैशन शो में भाग लिया। आदर्श ने कहा, वाह ये तो बिल्कुल नई सोच है, ये दोनों लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, इसका मतलब ये दोनों सही कह रही थी, वो लहंगा भी इन दोनों ने ही बनाया है। शेफाली फैशन शो जीत गई। आदर्श ने दोनों को जॉब ऑफर किया। अनुराधा ने कहा, लेकिन सर ये दोनों गांव की गवार है, ये दोनों कैसे यहाँ नौकरी कर सकते हैं? अनुराधा टैलेंट गांव या शहर देखकर नहीं आता है, ये दोनों टैलेंटेड है और तुम चोर हो, चोर निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रही। अनुराधा को जॉब से निकाल दिया गया। शहर के और कोई फैशन डिजाइनिंग कंपनी ने उसे नौकरी नहीं दी। सब कुछ होकर वो गांव लौट आई। गांव में भी किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया। उधर शेफाली और पुष्पा को 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई। उन दोनों लहंगे के डिजाइन खरीदने के लिए दोनों को आदर्श ने 10-10 लाख रुपए दिए। उससे हरिहर का ऑपरेशन भी हो गया और हरिहर शहर आकर अपनी बेटी के साथ रहने लगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लगन और टैलेंट हो तो अंत में जीत उसी की होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुसुम दीदी तो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूँ? इस घने जंगल में तो कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है।
तभी राधिका को शेर की आवाज सुनाई देती है। राधिका की रूह कांप उठती है। इस जंगल में वो अकेली है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और इस हालत में उसके सामने कोई भयानक जानवर आ गया तो? राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका डर सच में बदल गया। उसके सामने एक शेर आ गया। वो शेर राधिका की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसके मुंह से लार टपकने लगा। राधिका डर के मारे पीछे हटने लगी। अब राधिका के साथ क्या होगा? आखिर वो क्यों है इस जंगल में, वो भी अकेली? अब राधिका बच पाएगी या फिर वो शेर का शिकार बन जाएगी? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब राधिका बहुत छोटी थी। राधिका की माँ सरला एक अमीर घर में काम करती थी और घर चलाती थी। उसके पिता बहुत दिनों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। राधिका घर पर रहकर अपनी माँ को हेल्प करती थी। उसकी माँ दिन भर दूसरों के घर काम करके शाम को वापस आती थी और फिर माँ बेटी मिलकर बहुत सारी बातें करते थे। आसमान के तारे गिनते थे, एक साथ खाना खाते थे। गरीबी उन दोनों को खुश होने से कभी भी नहीं रोक पाई। माँ, आप दिन भर कितना काम करती हो, थक नहीं जाती क्या? थक तो जाती हूँ, मगर तब तुम्हारे इस नन्हे से चेहरे को याद कर लेती हूँ और मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं भी पूरा दिन आप ही का इंतजार करती रहती हूँ माँ। आप घर में रहती हो तो कितना मजा आता है मेरी प्यारी बेटी। ऐसे ही हंसते खेलते दोनों के दिन बीतते हैं। राधिका को सजने धजने का बहुत शौक है, मगर सरला के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो राधिका को नए नए कपड़े खरीद कर दे सके। इसलिए वो घर पर ही अपने हाथों से कपड़े बनाकर राधिका को देती है। राधिका उन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती है, मगर राधिका थोड़ी काली है, इस बात से वो हमेशा परेशान रहती है। सरला उसे समझाती है, अरे बेटी, ये काला गोरा कुछ नहीं होता, जिसका मन जितना साफ होता है वो उतना ही सुंदर होता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। राधिका जवान हो गई, सरला बूढ़ी हो गई। सरला ने राधिका को खुश करने के लिए चुपके से एक लहंगा तैयार किया और राधिका के ट्रंक में बहुत सारे कपड़ों के नीचे रख दिया। उसने सोचा था कि राधिका के जन्मदिन पर ये लहंगा उसे तोहफे के रूप में देगी, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और ही था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से सरला का देहांत हो गया। राधिका बहुत रोई, मगर पेट किसी की बात नहीं सुनता। पेट चलाने के लिए राधिका ट्रंक लेकर उस अमीर घर में काम करने चली गई जहां सरला काम करती थी। वो घर कुसुम नाम की एक लड़की का है। कुसुम और उसकी माँ जानकी वहां रहते हैं। राधिका उस घर में काम करने लगती है। वो दिन भर काम करती है और वहीं पर रह जाती है। कुसुम बहुत अत्याचारी है। ए राधिका, तू बहुत ढीली है रे, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, बहुत जल्दी काम करती थी। कुसुम दीदी, मैंने तो अभी अभी काम शुरू किया है, इसीलिए ऐसा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ कुसुम की माँ जानकी आती है। और जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, तुझे काम पर रखना ही नहीं चाहिए था, किसी और को ले लेते हम। तो क्या हुआ माँ, अभी भी तो इसे निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, दया करके ऐसा मत कीजिए, मैं खाली पेट मर जाऊंगी, मुझे बस एक दो दिन का वक्त दीजिए, मैं ठीक से काम करूंगी। राधिका अपने हद को पार करके काम करने लगती है। सुबह उठकर चाय बनाकर दोनों माँ बेटी को बुलाने से लेकर रात को सभी के सो जाने तक सारा काम करती है। अपने लिए उसे समय ही नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम आईने के सामने बैठकर एक सुंदर सा लहंगा पहनकर सज रही है। जानकी उसके पीछे खड़ी है। राधिका बाहर से सब कुछ देख रही है। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी लग रही है परी, वो लोग तुझे झट से सेलेक्ट कर लेंगे। तभी वहाँ राधिका आती है। कहाँ जा रही हो कुसुम दीदी? तुझसे मतलब, फैशन शो का ऑडिशन देने जा रही है, तुझे क्या? फैशन शो? मुझे बहुत पसंद है फैशन शो, सब लोग कितना सज धज के वहाँ चलते हैं, मुझे भी सजना बहुत पसंद है, मुझे भी ले चलो ना दीदी। तुझे? तूने अपना चेहरा देखा है, काली भैंस कहीं की, देखो देखो इसे, कौवा होकर मोरनी बनने का शौक रखती है। नहीं मालकिन, असल में बचपन से सजने धजने का मुझे बहुत शौक है, इसीलिए मैं हमेशा से फैशन शो में रैंप पर चलना चाहती हूँ, खुद का एक बुटीक भी शुरू करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत हंसते हैं। ये सब बदसूरत लोगों के लिए नहीं है, तू जा मेरा जूता साफ कर दे, जो तुझे आता है वही कर जाके, रैंप में चलने का सपना है इसे। हाँ हाँ, तू तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसी बदसूरत है, जा
जूता साफ कर दे, नौकरानी कहीं की। अपनी माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। उसे रोना आता है मगर वो रो नहीं पाती। जूता साफ करके कुसुम को पहना देती है। उसके बाद जानकी और कुसुम ऑडिशन के लिए निकल जाते हैं। तब अपने कमरे में जाकर राधिका बहुत रोती है। माँ अब कहाँ चली गई माँ, ये दुनिया बहुत जालिम है माँ, बहुत जालिम है। रोते रोते राधिका अपना ट्रंक खोलती है। आज उसे कुछ अच्छा पहनने का दिल कर रहा था। ट्रंक के अंदर ढूंढते ढूंढते उसे वो लहंगा मिल जाता है जो सरला ने आखिरी वक्त पर बनाया था। उस लहंगे को देखकर राधिका चौंक जाती है। अरे ये क्या, माँ ने ये कब बनाया? तभी वहाँ पर सरला की आवाज गूंज उठती है। ये मैंने तेरे लिए बनाया था बेटी, सोचा था तेरे जन्मदिन पर तुझे तोहफे में दूंगी, मगर उससे पहले ही मैं चल बसी। मगर तुझे ये बात बतानी थी, इसीलिए अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली थी। अब तुझे ये लहंगा मिल गया है, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधिका भावुक हो गई। फिर उसने लहंगा हाथ में उठाया और उसे पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। राधिका का रंग गोरा हो गया, उसका फिगर एकदम मॉडल जैसा हो गया, वो बहुत सुंदर हो गई। अरे ये क्या, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? लगता है ये सब कुछ इस लहंगे का कमाल है। राधिका तुरंत घर से निकली और ऑडिशन देने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो ऑडिशन रूम में पहुंच गई। वहां ऑडिशन लेने वाले सर ने उसे देखा और देखते ही फिदा हो गए। अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सुनो आज पहले राउंड का सिलेक्शन है, आज जो सिलेक्ट होगा उसे कल भी आना पड़ेगा, और कल उसमें से एक लड़की को लिया जाएगा। वैसे आज ठीक तो कर लिया है कि किसे लूंगा, मगर फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है। और ये बात कुसुम ने सुन लिया और वो बहुत गुस्सा हो गई। घर लौटकर कुसुम और जानकी गुस्से में लाल होकर बात करने लगे। वो नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैं आज उसे मार ही डालूंगी, कल सर उसे ही चूज करेंगे। मैंने इतने दिनों से इस फैशन शो का सपना देखा है, मैं तो उसे मार ही डालूंगी। शांत हो जा बेटी, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। सुन मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ जिससे वो लड़की कभी यहाँ पैर भी नहीं रख पाएगी। ये बोलकर जानकी कुसुम को कुछ बताती है। ये सुनकर कुसुम मुस्कुराने लगती है। राधिका घर लौटती है तो कुसुम उसे और एक ऑडिशन में ले जाने की बात करके उसे लेकर बहुत दूर के एक जंगल में जाती है, और फिर उसे कहती है, राधिका तू यही खड़ी रहे, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर कुसुम घर चली आती है। जानकी और कुसुम बहुत खुश होते हैं क्योंकि यही उन लोगों का प्लान था। माँ क्या दिमाग लगाया है आपने, उस जंगल में उसे शेर खा लेगा और कल मैं ही सेलेक्ट हो जाऊंगी। उधर रात हो जाती है। राधिका जंगल के बीचों बीच अकेली खड़ी है, उसे डर लगने लगा है। कुसुम दीदी तो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूँ, इस घने जंगल में तो कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है। तभी राधिका को शेर की आवाज सुनाई देती है। राधिका की रूह कांप उठती है। इस जंगल में वो अकेली है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और इस हालत में उसके सामने कोई भयानक जानवर आ गया तो? राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका डर सच में बदल गया। उसके सामने एक शेर आ गया। वो शेर राधिका की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, उसके मुंह से लार टपकने लगा। राधिका डर के मारे पीछे हटने लगी। शेर ने राधिका पर अटैक कर दिया। उस शेर ने राधिका के ऊपर चढ़ने के लिए जंप किया। राधिका को लगा कि यही उसका आखिरी पल है, शायद मौत ऐसे ही होती है। मगर तभी एक चमत्कार हो गया, राधिका का लहंगा उसे जमीन से ऊपर उड़ा ले गया। वो शेर बस देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। जादुई लहंगे ने राधिका की जान बचाई। अगले दिन सुबह कुसुम तैयार होकर ऑडिशन पर पहुंच गई। सर आए मगर राधिका को ना देख कर उदास हो गए। कुसुम अपने ही मन में हंसने लगी। सर फाइनल राउंड के सिलेक्शन में कुसुम का नाम बताने जा ही रहे थे कि तभी राधिका वहां पर आ गई। मैं आ गई सर। अरे आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम ही हो आज की विजेता। राधिका का सिलेक्शन हो जाता है। कुसुम को समझ में नहीं आता कि आखिर राधिका बच कैसे गई। जानकी को भी गुस्सा आया। वो दोनों राधिका का हाथ पकड़ कर उसे घर ले आए और उससे वो लहंगा छीन लिया। इसी लहंगे की वजह से तू सुंदर बनी है ना, मैं भी बनूंगी सुंदर। ये बोलकर कुसुम ने वो लहंगा पहन लिया, मगर पहनते ही उसका रंग काला पड़ गया, उसके बाल झड़ गए और वो बुढ़ी सी हो गई। ये क्या हो गया, इस लहंगे को पहनने से तो सुंदर होते हैं। नहीं, ये लहंगा मेरी माँ ने बनाया है, इसे पहनने से अंदर का रूप बाहर आता है। राधिका का मन साफ था इसलिए लहंगा पहनने से वो सुंदर हो गई, लेकिन कुसुम का मन गंदगी से भरा हुआ है,
इसीलिए वो बदसूरत हो गई। कुसुम रोने लगी मगर वो ठीक नहीं हुई। उधर फैशन शो जीत कर राधिका को बहुत पैसा मिला। उन पैसों से राधिका ने अपना बुटीक खोला और अपनी माँ की तरह लहंगा बनाकर बेचने लगी। ऐसे ही राधिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।